स्वागत है आपका। मैं शिल्पी दीदी जी, कक्षा 6, विषय नागरिक शास्त्र, पाठ 2, पूर्वाग्रह, भेदभाव और असमानता। पाठ 2 में हम लोग को ये पढ़ना है। सबसे पहले तो ये जानना है कि पूर्वाग्रह किसे कहते हैं। ठीक है, हम लोग पिछले वीडियो में भौगोलिक क्षेत्र के बारे में पढ़ा, विभिन्न जाति और भाषाओं के बारे में पढ़ा है, रीति रिवाजों की और संस्कृतियों के बारे में पढ़ा है। लेकिन इस विषय, इस पाठ में, इस चैप्टर में हम पूर्वाग्रह के बारे में पढ़ेंगे कि पूर्वाग्रह है क्या। जैसे हम अन्य लोगों से बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, यह भावना ही हमें जो पहले से जो चली आ रही है उसी को लोग धर्म के मामले में कहें तो, भाषा के मामले कहें, रीति रिवाज के मामले कहें, या कोई पसंद के मामले में कहें, तो ऐसे मामलों को जो मन में भावना पैदा हो गई है, शुरू से होती आ रही है, उसी को हम लोग पूर्वाग्रह कहते हैं। पूर्वाग्रह से ग्रसित जो हो जाते हैं मनुष्य, उनके मन में के प्रति नकारात्मक सोच पैदा हो जाती है। पूर्वाग्रह का मतलब होता है कि लोगों के विरुद्ध पक्षपात या रवैया, किसी के पक्षपात करना, हमेशा यही दिमाग में रखना कि उसका ये जो परंपरा शुरू से आ रहा है ये सही है। ठीक है, हम कुछ लोगों के प्रति नकारात्मक रवैया बहुत सी चीज़ों, चमड़ी का रंग, भाषा, जाति, धर्म और आर्थिक स्थिति के बारे में भी करते हैं। बहुत सारे लोगों को सोचते हैं कि चलो इस भाषा के मामले में कमज़ोर है, पैसे के मामले में कमज़ोर है, इस तरह से हमारी भावनाएं चली आ रही हैं। तो इसको लेके हम कभी कभी तो हम पूर्वाग्रह में इतने अधिक ग्रसित हो जाते हैं कि कुछ लोगों के साथ असभ्य व्यवहार कर बैठते हैं, यहाँ तक कि हम उनकी भावनाओं को चोट भी पहुँचा देते हैं। इसी तरह है कि किसी के बारे में एक विशेष राय बना लेना, इसका पहला पूर्वाग्रह का पहला ये टॉपिक है कि किसी के बारे में हम एक विशेष राय बना लेते हैं। कहते हैं अक्सर कि गांव में पिछड़े हुए होते हैं ये लोग, गांव के लोग ये महसूस करते हैं कि वे लोग सादा जीवन व्यतीत करते हैं। और जब हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कोई निश्चित विचार या राय बना लेते हैं तो हम कहते हैं कि ये रूढ़िवादी धारणा बन गई है। उदाहरण के लिए यदि हम लोग मान लीजिए कि एक गाँव के लोग अनपढ़ जो हुए, पिछड़े हुए जो हैं कुछ लोग, इसका अर्थ यह हुआ कि हमारी खास छवि बन गई है कि वहाँ के लोग अनपढ़ होते हैं, कम बुद्धि वाले होते हैं, ऐसा। तो यही होता है हमारा पूर्वाग्रह। लड़की और लड़कों में भी भेद बताते हैं, लड़कियाँ घर के कामकाज के लिए होती हैं, लड़के बाहर के काम करते हैं, तो इस तरह की भावना हमें रूढ़िबद्ध कर सकते हैं। लेकिन सच तो यह है कि लड़कियों के बारे में छवि हमारे संपूर्ण समाज द्वारा बना ली गई है। लड़की को खाना पकाने या साफ़ सफाई करने को कह दे तो काम करने में शर्म महसूस होता है, क्योंकि वे लोग समझते हैं कि ये तो औरतों का काम है। तो इसी तरह हमारी ये परंपरा जो शुरू से चली आ रही है वही एक किसी के बारे में विशेष राय बना ली जाती है। अब जैसे कि देखिए, विदेशों में इस तरह की पक्षपात या भेदभाव की भावना नहीं है, वहाँ लैंगिक भेदभाव है ही नहीं। घर चलाने के लिए लड़कियाँ और लड़के दोनों को एक समान देखा जाता है और समान रूप से वो लोग सहयोग भी करते हैं घर में। ऐसा नहीं कि खासतौर पे लड़के और लड़की अलग अलग देखा जाए उन लोगों को, ऐसा कोई नहीं है। वहाँ पे लड़कियों को ही माँ बाप से मिलता है, लड़के केवल लड़कों या लड़कियों के ही माँ बाप से मिलता हो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई खास तौर पे लोग क्या करते हैं कि समाज के द्वारा बनाई गई जो ये रीति है, काम काज है, उसमें शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए, खुशी खुशी स्वेच्छापूर्वक कार्य करना चाहिए। तो ऐसी भावना विदेशों में अभी भी है। ठीक है, अब आते हैं पूर्वाग्रह रूढ़िवाद भूमिकाओं के प्रभाव क्या हैं। ये जो पूर्वाग्रह हमारे शुरू से जो चले आ रहे हैं उसकी भूमिका और प्रभाव क्या है ये हम जानेंगे। पूर्वाग्रह रूढ़िवाद विचार जो है समाज में भेदभाव पैदा करता है, ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर हम किसी के पक्षपात करें और एक ही सोच, एक ही राय बना के हर काम को करते रहें तो ये तो हमारे में मतभेद पैदा होगा ही। तो जैसे अलग अलग व्यक्तियों के गुण देखने के मिल से रोकता है, ये भी किसी के गुण को देखने से रोकता है। अगर हमारे अंदर ये दो भावना आ गई, रूढ़िवाद भावना और पूर्वाग्रह भावना, तो ये किसी के गुण को, विशेष गुण को दिखाई नहीं देगा और लोगों के बारे में चिंतन बनाने पे हम हो जाएंगे उतारू कि नहीं, ये छवि जो शुरू से चली आ रही है यही सही है। हम बहुत सारे लोग का गलत पक्षपात भी कर सकते हैं, ऐसा हमारा भावना।
पूर्वाग्रह या रूढ़िवत विचार से लोगों को घृणा, कटुता और शत्रुता की भावना भी उत्पन्न हो जाती है। मान लीजिए कि हमारे समाज में इस प्रकार के विचार भावी हो जाते हैं तो हम प्रगति नहीं करता वैसा समाज। कभी ऐसे विचार समूह से राष्ट्र की शांति और प्रगति के लिए खतरनाक भी होते हैं। दक्षिण अफ्रीका का ही देखिए, वहाँ का कानून जो है अश्वेत लोग को अलग बस्ती बनाने वाली ये कानून जो थी, रंग भेद की नीति जिसको कहते थे, तो उसमें अश्वेत लोग के जीवन पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। अश्वेत लोग के नेता जो थे नेल्सन मंडेला, वो ब्रिटिश सरकार के रंग भेद की नीति के विरुद्ध संघर्ष किए थे वो, और भेदभाव में अब आते हैं ये भूमिका हमारी जो है वो प्रभाव अपना छोड़ी। अब आते हैं भेदभाव में। भेदभाव का अर्थ होता है किसी व्यक्ति या समूह के साथ एक दूसरे लोगों की तुलना में कम अच्छा व्यवहार करना, यही ना भेदभाव होता है। कंपैरिजन, वो उसकी अच्छाई इसकी गलती उसके में, ये सब कंपैरिजन भेदभाव पैदा करता है। हमारे ये कहें कि जब लोग अपने पूर्वाग्रह रूढ़िवाद सोच के आधार पर काम करते हैं तो भेदभाव तो उत्पन्न होगा ही। समाज में जैसे कुछ खास वर्ग के लोग हैं जो नीचा दूसरे एक दूसरे से नीचा मान लोगों को मानते हैं, उन्हें कुएं से पानी नहीं लेने देते, मंदिर में प्रवेश नहीं करने, इस तरह की भावना, जैसे मान लीजिए कि अस्वच्छ किसी को समझ लें, निम्न वर्ग के समझ लें, तो इस तरह से हम लोग में भेदभावना की भेदभाव तो आएगा ही। असमानता ही भेदभावना को पैदा करता है। हम सबको समान रूप से अगर देखेंगे तो भेदभाव की भावना पैदा ही नहीं होगी। अब देखिए कि यहाँ पे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हमको वैदिक काल में चार भागों में जो बांटा गया, तो इन लोगों को जो चार भागों में बांटे गए तो इसमें ब्राह्मण को ऊंचा स्थान दिया गया। शुरू से ये परंपरा चली आ रही है। शूद्र को घटिया काम कराए जाते थे, समाज में उनको निम्न दर्जा दिया जाता था। इस तरह की वर्ण व्यवस्था आजाति व्यवस्था को जन्म दिए। जाति में लड़ाई झगड़े मतभेद इसी कारण छुआछूत कुप्रथा पैदा हुई। धर्म के मामले में भी देखिए अनुचित व्यवहार किया जाता था। विश्व में कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो लोगों के प्रति अनुचित व्यवहार या कुछ बताए, ऐसा कोई धर्म नहीं है। सब धर्म एक शांति सहिष्णुता असमता का भावना बताता है कि सबसे मिलजुल के रहना चाहिए, घृणा नहीं करना चाहिए, कुटकटता पैदा नहीं करनी चाहिए। इस तरह से हमारे धर्म की कोई भी किसी के भी धर्म गलत नहीं बताते हैं, लेकिन लोगों की आर्थिक स्थिति जो है उसमें भी अंतर होता है। समाज में कटुता पैदा होती है, वो कम पैसा है, वो धनी है, वो निर्धन है, इसको भी दो भागों में बांट देता है लोग, तो अपमानजनक व्यवहार अभद्र व्यवहार का शिकार हो जाता है ये भेदभाव। लास्ट में करते करते भेदभाव अपमानजनक व्यवस्था कायम कर देती है और हीन भावना से लोग देखने लगते हैं। अब इस तरह से सब लोग क्या करते हैं कि नस्ल और प्रजाति के अंतर भी मनाने लगते हैं। जैसे समाज में भेदभाव असमानता का एक कारण होता है। महात्मा गांधी का ही लीजिए, वो अफ्रीका में गए वहाँ पे और नस्ल भेदभाव के शिकार हो गए। ब्रिटिश लोग उनको एशियावासी के को काला कहने लगे, उनके साथ अभद्र व्यवहार करने लगे। तो इस तरह की भावना चली आ रही है शुरू से ही। शारीरिक दृष्टि से कुछ व्यक्ति लंगड़े या बहरे गूंगे होते हैं तो अन्य व्यक्ति उनको मानसिक दृष्टि दिव्यांग दृष्टि से देखते हैं, तो उनकी इच्छाओं आकांक्षाओं के बारे में हम सजग नहीं रहते हैं। समाज में सरकार के द्वारा ऐसे लोग को आत्मनिर्भर बनाने के लिए समाज सरकार तो सहायता कर ही रही है, विकलांग के लिए अलग से व्यवस्था है। तो इस तरह लैंगिक समानता का भी राष्ट्र के उत्थान के लिए महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। लैंगिक समानता का अर्थ है पुरुषों और महिलाओं को समान दृष्टि समान प्रतिष्ठा का अवसर नहीं मिलना। अब लेकिन देखिए देश में लैंगिक असमानता जो है महिलाओं और पुरुषों के बीच भेदभाव को देखने को मिलता है लैंगिक असमानता के कारण। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, धार्मिक अधिकारों के मामले में महिलाओं को बराबरी का दर्जा हासिल अभी तक भी नहीं है। देखिए भेदभाव और भारतीय संविधान को जरा देख लें, तो भेदभाव और भारतीय संविधान में देखिए कि संविधान एक ऐसा दस्तावेज है, पहले संविधान के बारे में जानें, कि एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें नियम निर्धारित किए गए हैं, इसकी सहायता से राष्ट्र का संचालन होता है। ठीक है, तो संविधान के द्वारा कानून की दृष्टि सबके लिए समान है, समानता सुनिश्चित की गई है। इसमें धर्म निरपेक्ष राज्य जो सभी धर्मों के साथ सद्भाव रखता है, समान रूप से उसकी रक्षा भी करता है, और जिसके द्वारा व्यक्ति की मान मर्यादा राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित की जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम संविधान के बारे में अभी डिफाइन किए।